नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम एक बार फिर से जो है कि एचपी एडेशियो के बारे में बात करेंगे। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने पहले भी डिस्कस किया है और इस समय की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी तक तो हमने देखा था कि 1,17,000 का जो कि निवेश किया गया था दोस्तों, लेकिन अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो एक कमेंट और भी आया मेरे पास जिसका मतलब देखा है तो 2,64,000 के आसपास उन्होंने निवेश किया है। इनके पास तो 1,000 क्वांटिटी थी दोस्तों, लेकिन अगर मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो लगभग 3,000 क्वांटिटी देखने को मिल रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि दोस्तों ये मार्केट है, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, जिन्होंने भी इसका 3,000 क्वांटिटी बाइंग किया है उनके अंदर पूरी तरह से पोटेंशियल देखने को मिले, मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक आने वाले समय में 700 रुपये तक भी जाएगा। वो भी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल बाद की वो बात कर रहे हैं। तो हालांकि दोस्तों ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर को मतलब कन्फ्यूज हुआ था कि ये स्टॉक में मतलब कि अच्छा है या सही है या गलत है, तो हम उसको क्लियर कट अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर मैं कमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब ये जो है कि कन्फ्यूजन इनको लग रहा है, मतलब स्टॉक जो है कि मतलब आप अच्छा कहे या कभी बुरा कहे, मतलब भी क्लियर जो कि इनका स्टेटमेंट मतलब दोस्तों ये कह रहे हैं कि अभी आप क्लियर कहिए माई डियर, जो भी कहना है जो भी है, इनको भी कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे दोस्तों यूबर यूज़र एम की बात करें तो इन्होंने लगभग 3,000 क्वांटिटी बाइंग किया दोस्तों 88 रुपये की प्राइस पे। मतलब क्या है कि रिस्क तो लेना पड़ता है। हालांकि दोस्तों इतना हैवी अमाउंट निवेश किया है, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी छोटी सी कंपनी है। ऐसा भी दोस्तों इनका जो मानना है मतलब 3 साल बाद ये कंपनी लगभग 700 रुपये पे हो जाएगा, तब जो है कि आप मतलब चिल्लाते रहना जी, मतलब ऐसा इनका मानना है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इनको इस कंपनी में पूरी तरह से पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। एचपी एडेशियो के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कंपनी सही है कि गलत है। देखिए अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, कहाँ पे कंपनी का बिजनेस है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना था कि आज के दिन भी आप अगर देखेंगे तो लगभग 16% का स्टॉक में तेजी देखने को मिला। यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक नहीं चल रहा था, मतलब आप कह सकते हैं कि 11:30-12 बजे के आसपास सडनली इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 1,000 करोड़ की कंपनी है, अभी क्या है कि 1,100 करोड़ की कंपनी हो गई। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था तो 1,000 करोड़ की ही कंपनी थी। तो ये देखा जाए दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि रिस्क के हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं ना, कि मतलब जो लोग पूछ रहे हैं कि कंफ्यूज कर रहे हो स्टॉक बुरा है कि अच्छा है, मतलब देखा जाए तो मेरे पॉइंट से देखिए यही इस स्टॉक में रिस्क है। रिस्क क्या है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कभी भी इस स्टॉक में इस टाइप की जो तेजी देखने को मिल रही है, तो कभी भी इस स्टॉक में मतलब देखा जाए तो इसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मतलब क्या है कि आज अगर ये स्टॉक अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपने लॉन्ग टाइम पर्पज से इस स्टॉक को बाइंग किया है तो कंपनी करती क्या है दोस्तों। कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, देखिए कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, एक सीमेंट केमिकल टाइप का कंपनी के पास प्रोडक्ट है दोस्तों, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जगह पे यूज होगा। इस कंपनी का कोई बहुत बड़ा बड़ा क्लाइंट्स देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल इस्टेट वाले इस कंपनी के क्लाइंट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कंपनी के क्लाइंट्स हो सकते हैं, और आप कह सकते हैं मतलब कुछ रिटेलर्स भी इस कंपनी के क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों देखिए, आज ये कंपनी बिजनेस कर रही है, कल मार्केट में और भी कंपटीशन अवेलेबल हो सकते हैं, तो इस हिसाब से देखा है तो ये छोटी कंपनी है दोस्तों। मतलब मेरे पॉइंट से यही रिस्क है इस स्टॉक में। वहीं पे देखा जाए तो मतलब मार्केट दोस्तों कभी भी कोई भी कंपनी मतलब धीरे धीरे करके ही बड़ी होती है, डायरेक्टली कोई भी कंपनी बड़ी नहीं होती है। और अभी तक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं हुए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं पर अगर मैं नेट इनकम की और प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों, मार्जिन की बात करूँ, तो सारा कुछ अच्छा है, डबल से जो कि ग्रो हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ, जो मेन कंपनी का सेल्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हुआ है, तो ये छोटी कंपनी है। सिर्फ 62 करोड़ का कंपनी के पास रेवेन्यू देखने को मिलता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कह सकते हैं 100-150 करोड़ के आसपास होगा। छोटी कंपनी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन लगभग 4 मिलियन के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 50% माल डिलीवरी में उठा गया। नो डाउट दोस्तों जो भी माल उठा रहा है लॉन्ग टाइम के पर्पज से उठाना है, न कि शॉर्ट टाइम के हिसाब से। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रही है, 129 रुपये का हाई लगाया है। लो की बात करें तो 2 मार्च मतलब कि कंपनी ने 2 मार्च को लो लगाया। देखिए दोस्तों, ये जो भी अपने को तेजी देखने को मिल रही है बजट से रिलेटेड देखने को, आप सभी लोगों को पता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट होने हैं। हालांकि दोस्तों किसी के भी अगर एक सेक्टर का फुलफिल नहीं होता एक्सपेक्टेशन, तो स्टॉक उसी टाइप से गिर भी सकता है। हम ऐसा नहीं दोस्तों कि आज हमारे मतलब कि
किसी ने 264,000 निवेश किया तो किसी ने 117,000 निवेश किया, तो मैं जो है उसको बढ़ा चढ़ा के बताऊं तो अच्छा है? नहीं दोस्तों, जो भी है मेरे पॉइंट से है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो देखिए 6 महीने में 40% का रिटर्न है, वहीं पर अगर आप 1 महीने में देखेंगे तो 24% है। यहाँ पर अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में 80% का रिटर्न है, और यहाँ पर अगर आप 5 साल में देखेंगे तो सिर्फ 56% का रिटर्न है। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि रिसेंट में कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शंस किया है, और उसके बाद भी मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक इतना ही अच्छा है, तो इसका चार्ट ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों? बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, मतलब कि यही सब इस स्टॉक में रिस्क देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से अभी इसके गिरने के मतलब कुछ कम चांस आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी गिरावट होती है तो 110 रुपये आप मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये स्टॉक 150 रुपये तक जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करते, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।